हिमाचल प्रदेश भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी की 6 सदस्यीय चार्जशीट समिति के प्रभारी एवं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश भाजपा सरकार पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तीव्र गति से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऋण के ऊपर ऋण लेकर सरकार चला रहे हैं, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भविष्य में पूर्व में रही सभी प्रदेश सरकारों का ऋण लेने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तासीन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को सहायता के नाम पर एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। जब जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद संभाला था तो उन्होंने बहुत दावे किए थे कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश सरकार के तहत वह अधिक खर्चे नहीं करेंगे, मगर उनके विपरीत उन्होंने नियमों व वार्डों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की एक बड़ी फौज खड़ी कर साबित कर प्रदेश की जनता को दिखा दिया कि उनकी कथनी व करनी में कितना अंतर है। प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं होने के चलते भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों के शौक को पूरा करने हेतु महंगी कारें लेने के लिए भी 5 करोड़ रुपए ऋण लेने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष कम समय में ही प्रदेश के आपराधिक मामलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ऐलान किया कि प्रदेश भाजपा सरकार के विरुद्ध की जाने वाली FIR में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार से जुड़े हर मामले पर एक एक हिसाब देगी। देखो, वो उनकी अपनी सोच है, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। एक और कह रहे हैं कि हम बड़ी कफायत से चलेंगे। कहते थे जब कांग्रेस पार्टी के शासन में जब चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने थे वो पैसे का दुरुपयोग था। अब खुद रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अब खुद मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे चेयरमैन बनाए जा रहे हैं जिनको न केवल कैबिनेट स्टेटस मिल रहा है लेकिन उनको पर्क्स भी और जो सारी सुविधाएं हैं कोठी से लेके सारी चीजें जो है वो कैबिनेट मिनिस्टरों की तरह जो है उनको मिल रही है और पैसा हर महीने करोड़ों के हिसाब से जो है वो पैसा जो है वो खराब किया जा रहा है। गाड़ी मंत्री लोग चाह रहे हैं कि पंजाब की तरह वो भी हरियाणा की तरह जो है वो बड़े मंत्री होके जाएं, लेकिन प्रदेश की क्योंकि आर्थिक हालत जो है वो खराब है। और जो भारतीय जनता पार्टी वीरभद्र सिंह जी को कर्ज लेके सरकार चलाने की बात कह रहे थे, आज दुर्भाग्य ये है कि पहला साल है और पहले साल का जो बजट में प्रस्तुत हुआ था जो घाटे का बजट है उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि हमें कर्ज लेके चलना पड़ेगा। जैसे ही बजट पास हुआ तुरंत उसके बाद जो है वो 800-900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, 500 करोड़ का एक और ले लिया। और अभी जो अखबारों में भी छपा था कि जो DA जो है वो जो कर्मचारियों को दिया या जो मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं उसके लिए 500 करोड़ रुपए का लोन जो है ये सरकार और लेने वाली है। और वर्ष के अंत तक इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी घाटे का बजट दिया गया है, जो काम चल नहीं रही है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, जिस पैकेज की बात करते थे वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो आज जो है वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सारी जो है वो मनगढ़ंत बातें हैं। और असली बात यह है कि काम चलाने के लिए कर्ज का ही सहारा लेना पड़ेगा। और शायद ये जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, ये कर्ज लेने में भी रिकॉर्ड बनाएंगे।